हेलो एवरीवन वन जैसा आप सब जानते हैं जेके एस क्लास फोर रिक्रूटमेंट में हंड्रेड में से ट्वेंटी मार्क्स जो आपके हैं वो है बेसिक रीजनिंग के और ये आपका सिलेबस है तो so, आज हम ट्वेंटी क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन दीज एट टॉपिक्स जो कि सिलेबस में गिवन है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन स्टडी के चैनल पर आपको प्ले लिस्ट ऐप के अंदर जेके एस एस पी क्लास फोर जनरल अवेयरनेस मैथ्स रीजनिंग ये प्ले लिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी जहाँ पर रेगुलरली वीडियोज़ डलती हैं सब टॉपिक्स के ऊपर तो वहाँ पे जाके आप इनको एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए सो लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये बेस्ड है एनॉलोजीज़ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्लार इज रिलेटेड टू पेटल इन द सेम वे एज़ जैसा फ्लार का रिलेशन पेटल के साथ है वैसे बुक का रिलेशन किसके साथ होगा तो फ्लावर और पेटल का क्या रिलेशन है फ्लावर जो है वो पेटल्स की कलेक्शन होती है ठीक है फ्लावर इज अप ऑफ पेटल्स उसी तरह से बुक किसकी कलेक्शन है बुक है पेजेस की कलेक्शन आंसर इसका है ऑप्शन ए पेजेस सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं ये भी एनोलॉजी पे बेस्ड है इस क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप आपको क्वेश्चन में गिवन है और ऑप्शंस में पांच और रिलेशनशिप्स दिए हैं उनमें से आपने चूज करना है वो वाला ऑप्शन जो कि एक्सप्रेस कर रहा है सेम रिलेशनशिप एज टोबैको एंड कैंसर तो इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है पहले हमें देखना है टोबैको और कैंसर का रिलेशनशिप कैसा है टोबैको इज द कॉज और कैंसर जो है वो उस कॉज की वजह से होने वाला इफेक्ट है कैंसर एक डिज़ीज़ है ठीक है एक कॉज दिया है और एक डिज़ीज़ दी है उसी तरह ऑप्शंस देखेंगे मिल्क फूड नहीं होगा बर्ड फ्लार सॉयल इरोजन नहीं मॉस्किटो मलेरिया मॉस्किटो कॉज होता है किसका मलेरिया का जो कि एक डिजीज़ है तो इस क्वेश्चन में सेम रिलेशनशिप टोबैको कैंसर की तरह कौन दिखा रहा है ऑप्शन डी मॉस्किटो मलेरिया सो क्वेश्चन थ्री जो है ये बेस्ड है आपके रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में दिया है कि इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वमेन सेट ही इज़ दी ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर और एंड में पूछा गया है हाउ इज़ द वमेन रिलेटेड टू द मैन जो वुमेन बोल रही है उसका मैन के साथ जिसके बारे में वो बोल रही है क्या रिलेशन है तो लेट्स फाइंड आउट सबसे पहले हम देखेंगे जो वुमेन है वो किसके बारे में बात कर रही है ओनली सन किसका माई मदर्स मदर यानी इस वुमेन की जो मदर है उनकी मदर तो पहले हम ये रिलेशनशिप बना लेते हैं वुमन की एक मदर है ठीक है और ये आ गई मदर्स मदर ठीक है शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रही हूँ टाइम सेव होता है और क्वेश्चन में दिया गया है ओनली सन ठीक है मदर्स मदर जो है उनका ओनली सन ठीक है ओनली सन तो अगर ये मदर है जो कि फीमेल होगी तो ये उनके ब्रदर हो जाएंगे ब्रदर सिस्टर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वुमन का इनसे क्या रिलेशन है ये जो ओनली सन है है ना वुमेन का रिलेशनशिप इस मैन के साथ देखना है तो आपने क्या करना है कि मैन से होते हुए आपने वुमेन तक आना है मैन से होते हुए देखना है कि ये उनकी सिस्टर है और सिस्टर की डॉटर है तो सिस्टर की डॉटर क्या होती है नीस आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी नीस सो क्वेश्चन नंबर फोर दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट इसमें दिया है ए इज़ द फादर ऑफ़ सी तो हम एक फैमिली ट्री बनाएंगे जिसमें मेल्स को प्लस साइन से और फीमेल्स को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए जो है वो सी के फादर है तो यानी ए मेल हो जाएंगे और ये किसके फादर हैं सी के डी जो है वो बी के सन है तो डी जो है वो सन है यानी मेल और किसके सन है वो बी के ठीक है अब दिया है ई इज़ द ब्रदर ऑफ़ ए तो ए के यहाँ पे हम ब्रदर बना देंगे ई e, ब्रदर है तो वो भी मेल होंगे प्लस साइन लगा दीजिए साथ में गिवन है इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी सी जो है सिस्टर है यानी फीमेल और सिस्टर किसकी है डी की तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई बी और ई e का कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बट अगर आप ध्यान से देखें अगर सी और डी जो है वो ब्रदर सिस्टर है सिबलिंग्स हैं और ए उनके फादर है और गिवन था कि डी इज़ द सन ऑफ बी यानी बी भी पेरेंट है तो बी जो होंगी वो मदर हो जाएंगी फीमेल और हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो जाएगा ए और बी का जिसको हम ऐसे डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो बी का रिलेशन अगर ई e के साथ निकालना है हम ई e से होते हुए बी की ओर जाएंगे ठीक है तो हम देखते हैं ई e का ब्रदर है ए और उस ब्रदर की वाइफ है बी तो ब्रदर की जो वाइफ होती है वो होती है सिस्टर इन लॉ तो बी क्या है सिस्टर इन लॉ हाउ इज बी रिलेटेड टू ई बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई ठीक है ऑप्शन डी इसका जो है वो सही हो जाएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ये बेस्ड है ऑड वन आउट पर इन दिस क्वेश्चन फाइव वर्ड्स है लाइक इन सम वे ठीक है फोर के बीच में कुछ कॉमन होगा फोर या किसी एक सिमिलर ग्रुप को बिलोंग कर रहे होंगे कुछ ना कुछ उनका एक कॉमन होगा और साथ में कोई एक ऑप्शन ऐसी है जो कि उस कॉमन ग्रुप में नहीं फॉल करेगी वो डिफरेंट होगी तो ये जो ऑड वन आउट है ये हमें निकालना है सो so लेट्स है टेबल चेयर कबर्ड बेड एंड कंप्यूटर सो अगर आप ध्यान से देखें टेबल चेयर बेड कबर्ड ये सारे ही एक तरह का फर्नीचर है लेकिन कंप्यूटर जो है वो फर्नीचर नहीं है कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसीलिए जो ऑड वन आउट होगा वो होगा ऑप्शन ई कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं ये भी सिमिलर है फोर आपके अलाइक होंगे और वन डिफरेंट होगा ठीक है हमें देखना है ऑर्ड वन आउट कौन सा है तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है जेंडर के बेसिस पे आप ऑड वन आउट बता सकते हैं एक ये तरीका है सो लेट्स सी कि हम कर सकते हैं या नहीं डॉटर जो होगी वो होगी फीमेल ब्रदर होगा मेल हस्बैंड इज़ आल्सो मेल मदर इज फीमेल ठीक है तो जेंडर के बेस पे ऑड वन आउट नहीं होगा बट फिर भी अगर आप ध्यान से देखें जो कजन है कजन इज़ अ जेंडर न्यूट्रल टर्म कजन आपका मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है क्योंकि कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर इस तरह से नहीं बोला जाता सिर्फ कज़न बोल दिया जाता है चाहे वो ब्रदर हो या सिस्टर राइट right? तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए बी सी एंड ई इन सब में जेंडर जो है वो डेफिनेट है हम बता सकते हैं जेंडर डी ऑप्शन में नहीं बता सकते इसीलिए आपका जो आंसर है जो ऑड वन आउट है वो होगा ऑप्शन डी कज़न क्योंकि इसमें जेंडर आपका स्पेसिफाइड नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं ये बेस्ड है आपका डायरेक्शन सेंस पे डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम डायरेक्शन अपने पेज पे कुछ इस तरह बना लेते हैं फॉर रेफरेंस जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन जो है नॉर्थ की होती है डाउनवर्ड इज़ फॉर साउथ राइट साइड अगर कोई है तो वो ईस्ट होगा एंड लेफ्ट साइड वेस्ट ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि एक स्टैंडर्डाइज तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो विदाउट एनी कंफ्यूजन तो क्वेश्चन में हमें दिया है वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड यानी वाई जो है वो ईस्ट है एक्स के और एक्स जो है वो नॉर्थ है जेड के ठीक है आगे गिवन है इफ पी इज इन द साउथ ऑफ जेड पी जो है वो जेड के भी साउथ में है यानी P यहाँ पर बनेगा और उन्होंने पूछा है इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज़ P यानी P की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू वाई जिन्होंने डायरेक्शन ऐसी क्लासेस लगाई हैं वो जानते हैं कि अगर हमें P की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हम वाई के पॉइंट पर डायरेक्शंस बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट और फिर हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन पी की बन रही है ये साउथ और वेस्ट के बीच में है तो आंसर इसका हो जाएगा साउथ वेस्ट बिना गलती के आपका एकदम सही आंसर आ जाएगा पी जो है साउथ वेस्ट है किसके वाई के तो एक और क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्शन सेंस का अ मैन वॉक्स फाइव किलोमीटर्स टूवर्ड साउथ तो एक पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है और वो फाइव किलोमीटर्स जा रहा है टूवर्स साउथ एंड देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट तो साउथ जा रहा था लेफ्ट टर्न यानी इस डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे ईस्ट होता है सो नाउ ही विल स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट और वो कितना चलेगा डिस्टेंस थ्री किलोमीटर्स और तीन किलोमीटर चलने के बाद वो टर्न कर रहा है टूवर्ड्स राइट राइट टर्न लेने के लिए अगर ईस्ट से लेना है तो हम देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आप देखो तो वो साउथ की तरफ जाने लग जाएगा और कितना चलेगा फाइव किलोमीटर्स अब पूछा गया है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस सो दिस वॉज योर स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पर वो करंटली है तो अगर आप देखें कि ये जो डायरेक्शन बनती है डाउनवर्ड्स ये होती है साउथ ईस्ट ऑप्शन सी साउथ ईस्ट सही हो जाएगा बिना गलती के करने के लिए आप अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर आप अपनी डायरेक्शंस बना के देख सकते हैं कि यहाँ साउथ आता है ईस्ट आता है ठीक है तो यहाँ से आप देख सकते हैं साउथ और ईस्ट के बीच में पढ़ रहा है तो ये साउथ ईस्ट आपका आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं इसमें बोला गया है अ पर्सन पर्सन मूव्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स टू हिज राइट एक है जिसने यहां से स्टार्ट किया और वो जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ और उसके बाद उसने एक राइट right टर्न लिया राइट right टर्न के लिए हमेशा क्लॉकवाइज देखेंगे तो वो ईस्ट की तरफ होगा एक और राइट right टर्न लिया वो आपका साउथ की तरफ आ जाएगा एंड देन फाइनली गो टू लेफ्ट अब यहाँ से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया लेफ्ट टर्न क्या होगा एंटी क्लॉक में देखो साउथ से ईस्ट की तरफ जाने लगेगा तो क्वेश्चन में यही पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ हमें सीधे बताना है फाइनली वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा था तो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो जा रहा था आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए ईस्ट ये क्वेश्चन बेस्ड है वेन डायग्राम्स पे इसमें हमें दिया गया है टेबल्स चेयर्स फर्नीचर हमें बताना है इसकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी तो अगर आप इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आई हाईली रिकमेंड कि आप हमारे चैनल पे जेके एस एस बी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके वेन डायग्राम लेक्चर वन वो ज़रूर देखिए उसमें बहुत ही बेसिक से आपको समझाया गया है कि वेन डायग्राम्स क्या होती है कैसे बनती हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल्स कुछ क्वेश्चन हैं तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है टेबल्स चेयर्स और फर्नीचर फर्नीचर जो है ये एक पेरेंट सेट है टेबल्स और चेयर्स जो हैं वो उसका पार्ट होंगे ऑल्सो अ पॉइंट टू बी नोटेड कि टेबल और चेयर में कुछ कॉमन नहीं होगा तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही आ जाएगा कि ये जो आउटर सर्कल है ये रिप्रेजेंट करेगा फर्नीचर्स को इनर सर्कल आपका एक रिप्रेजेंट कर देगा टेबल्स और दूसरा इनर सर्कल रिप्रेजेंट कर देगा चेयर्स को तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा एक और क्वेश्चन देखते हैं ऑथर्स टीचर्स एंड मैन अगर आप ऑथर्स और टीचर्स का रिलेशन देखो तो इनमें कुछ चीज़ें कॉमन होंगी कुछ नहीं होंगी सिमिलरली टीचर्स और मैन में भी कुछ कॉमन होगा कुछ नहीं क्योंकि कुछ टीचर्स मैन होंगे कुछ वुमेन होंगे उसी तरह से कुछ ऑथर्स भी मैन होंगे कुछ वुमेन होंगे तो ये रिलेशनशिप वेन डाइग्राम से कैसे बन सकता है ऑप्शन ए कि एक सर्कल जो आपका ऑथर्स को रिप्रेजेंट कर दे एक आपका टीचर्स को और थर्ड वाला आप मैन को रिप्रेजेंट कर दे कुछ एरियाज इनके कॉमन होंगे कुछ कॉमन नहीं होंगे लेट्स अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इंजीनियर्स ह्यूमन बींग्स और रैट्स इंजीनियर्स जो होगा वो पूरा ही ह्यूमन बींग के अंदर बनेगा ठीक है और रैट जो है उसका इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं है तो आपका ऑप्शन ई e सही हो जाएगा कि आउटर सर्कल ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट कर दे इनर सर्कल रिप्रेजेंट कर दे इंजीनियर्स को और ये अलग ही बनेगा जो कि रैट्स का जिसका इनके साथ कुछ कॉमन नहीं है तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं ये बेस्ड है नंबर सीरीज टॉपिक पे इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज एक सीरीज़ दी है वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन और आपको अगला नंबर जो है वो बताना है तो अगर आपने बिल्कुल बेसिक मैथ्स भी पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये स्क्वेयर्स की चल रही है सबसे पहले इन्होंने वन का स्क्वेयर दिया है उसके बाद टू का देन थ्री स्क्वायर जो कि नाइन होता है उसके बाद फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर और एंड सो ऑन। तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स ठीक है सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन तो यहाँ पर आ जाएगा एट का स्क्वायर जो कि क्या होता है ऑप्शन डी सिक्सटी फोर एक और नंबर सीरीज देखते हैं इसमें आपका एक बीच का जो एलिमेंट है वो मिसिंग है ठीक है लास्ट एलिमेंट हमें गिवन है नंबर सीरीज़ को करने का एक और तरीका होता है जिसमें आप क्या करते हो सब्सिक्वेंट नंबर्स का जो डिफरेंस है वो लिख लेते हो सेवनटीन और ट्वेंटी थ्री सेवनटीन से ट्वेंटी थ्री बनाने के लिए आपने क्या किया सिक्स ऐड किया उसी तरह से आप देखो ट्वेंटी थ्री को ट्वेंटी नाइन बनाने के लिए भी ट्वेंटी थ्री में सिक्स ऐड करते हैं ट्वेंटी नाइन में सिक्स प्लस कर दोगे तो थर्टी फाइव बनेगा ठीक है थर्टी फाइव में अगर आप सिक्स ऐड करो तो बनता है फोर्टी वन और 41 में अगर आप सिक्स ऐड कर दो तो बनता है 47 जो कि हमें गिवन था यानी ये सीरीज़ है आपकी प्लस सिक्स प्लस सिक्स हो रहा है हर एक सब्सिक्वेंट नंबर में तो आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 41 तो क्वेश्चन 15 देखते हैं इसमें भी सीरीज कंप्लीट करनी है तो अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक बार नंबर इंक्रीज हो रहा है देन इट इज़ डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे इसमें भी आप कर सकते हो डिफरेंस लिख लो कि सेवन में थ्री ऐड हुआ टेन में से टू माइनस फिर एट में थ्री एड होके एवन बन गया और इलेवन से टू माइनस किया फिर नाइन में थ्री ऐड किया ट्वेल्व तो ट्वेल्व से टू माइनस कर लो तो आपका आंसर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा टेन ठीक है ऑप्शन बी टेन सो क्वेश्चन सिक्सटीन जो है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग पे बेस्ड है इस क्वेश्चन में अगर आप देखो कि T से माइनस वन किया गया है S T से पहले आता है S ठीक है A और Z A से पहले आता है Z उसी तरह से P को कोड किया गया है O P से भी माइनस वन करो तो O आता है तो अब हमें बोला गया है कि फ्रीज को कोड करके इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा तो लेट्स F से माइनस वन किया तो हमारे पास बनता है E R से माइनस वन करो तो क्यू फिर E से माइनस वन करो तो D और दोबारा E है तो D Z से माइनस वन किया तो Y और E से माइनस वन किया तो D तो ये जो आपका ऑप्शन है ये कौन सा है यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया है बट आपका जो ऑप्शन D है वो सही होगा ठीक है यहाँ पे अल्फाबेट्स को न्यूमेरिकली कोड किया गया है एक कोड हमें दिया है पेंट वर्ड का और एक एक्सेल वर्ड का पूछा है कि एक्सेप्ट को हम किस तरह से कोड कर सकते हैं इन क्वेश्चन को अप्रोच करने में सबसे पहले आपने क्या देखना है कि एक्सेप्ट के जो अल्फ़ाबेट्स हैं क्या वो सारे ही पेंट और एक्सेल में से निकल सकते हैं तो हाँ निकल सकते हैं ए भी है सी भी है देन ई इज ऑल्सो देयर ठीक है फिर हमें पी चाहिए था वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है टी भी यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका कोड अल्फाबेट की पोजीशन जो होती है ए की वन जेड की ट्वेंटी सिक्स उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी इसकी कोडिंग जो है वो यहाँ से ही डायरेक्टली निकल जाएगी अगर आप ध्यान से देखो कि एक्सेल वर्ड में ई e दो बार आ रहा है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे और आप यहाँ देखिए फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे ही नाइन रिपीट हो रहा है यानी इसका जो कोड है वो डायरेक्टली ऐसे होगा कि पी का कोड जो है वो सेवन है ए का कोड फोर आई का वन एन का टू एंड टी का एथ उसी तरह से एक्सेल Word में भी ई e का कोड जो है वो नाइन होगा एक्स का होगा थ्री सी का कोड इज फाइव और नाइन तो आपको पता है ई e का ही कोड था और एल का कोड जो है वो होगा सिक्स तो एक्सेप्ट का कोड यहाँ से ही निकल जाएगा ए का कोड अगर आप पेंट से देखो तो फोर था तो इसका कोड होगा फोर सी का थर्ड पोजीशन एक्सेल में इज फाइव और दो बार था E का कोड जो है वो नाइन था पी का कोड पेंट से आप देखो तो क्या है सेवन और टी का कोड एट तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा फोर फाइव फाइव नाइन सेवन एट तो अगर आप एबीसीडी को इस तरह से लिख लीजिए कि ए से एम तक एक लाइन में और फिर एन से जेड तक उल्टा करके तो ये आपको देता है ऑपोजिट लेटर्स सो इफ यू सी क्लोजली कि हमें काम का कोड दिया था X Z O N तो ये कोड कैसे बनाया C के ऑपोजिट अगर आप देखो X होता है ठीक है A के ऑपोजिट होता है Z, ठीक है C के ऑपोजिट X, A के ऑपोजिट Z, ठीक है L के ऑपोजिट क्या होता है अगर आप यहाँ से देखो O होता है और M के ऑपोजिट होता है N, तो इन्होंने डायरेक्टली यहाँ से ऑपोजिट अल्फाबेट्स लेके कोड बनाया है अब हमें पूछा गया है वर्ड का कोड क्या होगा तो उसके लिए हमें देखना है Y के ऑपोजिट होता है B E के लिए देखना है E के ऑपोजिट होता है V A के ऑपोजिट होता है Z और R के ऑपोजिट यहाँ से आप देख सकते हो होता है I तो आपका कोड होगा बी वी जेड आई तो ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा तो क्वेश्चन 19 देखते हैं ये किस पे बेस्ड है ये है फ़िगर सीरीज कंप्लीशन टॉपिक का तो इसमें आपको एक फिगर दी होगी क्वेश्चन में और उसमें एक पार्ट मिसिंग होगा आपने इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा फिगर यहां पर डालोगे तो आपकी क्वेश्चन फिगर जो है वो कंप्लीट होगी तो अगर आप ध्यान से देखो हर एक बॉक्स में आपको इस तरह की शेप दिखेगी ठीक है सेम ही शेप है तो आंसर में भी आपको सेम शेप ढूंढनी है तो अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन ए जो है उसमें ये शेप है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तो क्वेश्चन ट्वेंटी देखते हैं फिगर सीरीज का ही ये आपकी क्वेश्चन फिगर है जिसमें चार स्टेप्स गिवन है स्टेप वन टू थ्री फोर आपने बताना है फिफ्थ स्टेप जो है वो क्या होगा ठीक है इसको कंटिन्यू करना है सीरीज को फिफ्थ स्टेप क्या होगा इनमें से ए बी सी डी तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे ये डायग्राम खाली है फिगर खाली है यहाँ पे इन्होंने दो बॉक्सिस को कलर किया है नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने अगले दो बॉक्सेस को कवर किया है अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ठीक है तो नेक्स्ट में कौन से बॉक्सेस कलर्ड होंगे नेक्स्ट फिगर में आपके एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स कलर्ड होना चाहिए तो ऑप्शन में ऐसा ही ऑप्शन ढूंढेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये वाली फिगर जो है ये आपका स्टेप फाइव बनाएगी तो इसीलिए आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा सो so, ये थे आपके ट्वेंटी क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन के आई होप आप इनको साथ में सॉल्व कर रहे थे या एटलीस्ट नोट कर रहे थे कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए नहीं कर पाए तो इन क्वेश्चंस का जो टोटल है वो आप कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब कर लिया है बट आप हमारे साथ फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे पी और साथ ही आपके रेगुलर क्विज़स स्टार्ट किए गए हैं क्लास फोर के ही रिक्रूटमेंट के लिए और इन सभी सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे